गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज हम बात करने वाले हैं IndiaMart.com के एप्लीकेशन के बारे में। IndiaMart.com एक ऐसा वेबसाइट है इंडिया में जो अभी तक हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल B2B प्लेटफॉर्म है। अगर आप ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, इम्पोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो IndiaMart एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपका डिज़ायर्ड टारगेट को अचीव करवा सकता है अगर आप उसमें थोड़ा फोकस करें। स्टैटिस्टिकली मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि B2C में जितना ट्रांजैक्शन होता है उससे कई गुना ज़्यादा B2B में ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे बल्क में होते हैं। बल्क में इसलिए होते हैं क्योंकि यस, आप एक यहाँ पे सिंगल ऑर्डर फुलफ़िल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी कस्टमर आएगा वो मिनिमम क्वांटिटी 10, 20, 50, 100, 1000 पीसेस में लेगा, क्योंकि वो सामने B2C कर रहा होगा या फिर रिटेल का बिजनेस कर रहा होगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, या फिर आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से या फिर कोई भी दूसरी कंट्री से, और आप चाहते हैं कि आपको बल्क में प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो IndiaMart इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स विच यू कैन रिलाई ऑन। प्लस दूसरी बात इसमें यह है कि एडवांटेजेस की बात करें, इफ़ यू कंपेयर इट विथ B2C प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे रिटर्न्स के चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आप भेजते हो वो पहले ही म्यूचुअली अग्री कर लिया जाता है सेलर्स और बायर के बीच में कि जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, और रिटर्न के कंडीशंस जो भी होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और वेल डिस्कस्ड होते हैं, इसीलिए रिटर्न्स के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइड में रहता है, नेगेटिव साइड में आने के चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू B2C प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, Flipkart या कोई भी साइट हो जहाँ पे रिटर्न्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, बट यहाँ पे रिटर्न्स का पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि IndiaMart में आप अपना बिजनेस कैसे सेट कर पाएंगे, कैसे आप अपना एक वेबसाइट पोर्टल भी IndiaMart की वेबसाइट से क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग योर मोबाइल। और मोबाइल से इसलिए हम ये दिखा रहे हैं, मोबाइल ऐप का हम इसलिए इतना जोर लगा रहे हैं क्योंकि मोबाइल हमेशा आपके पास रहता है, आप जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी कोई कॉल आता है उसको अटेंड कर सकते हैं, जब भी चाहे आप किसी को कॉल कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो सारी मोबाइल से हैंडल कर सकते हैं, और ऑन द स्पॉट आप कस्टमर को जो रिलायबल सर्विस देनी है वो आप दे सकते हैं, इसलिए मोबाइल ऐप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल ऐप में एज अ सेलर कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे आप उसमें प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, कैसे स्टोर क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ IndiaMart के ऐप। अगर आपको नहीं पता कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है तो पहले आप चले जाइए प्ले स्टोर में, यहाँ पे आपको IndiaMart टाइप करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपका नंबर यहाँ पे पहले पूछा जाएगा, जो मैं आपके लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मेरा जो नंबर है बहुत ही कॉमन नंबर है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार आपको। तो ये नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, अभी कुछ ही सेकेंड्स में एक मैसेज आएगा और वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप आगे प्रोसेस उसका कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स अपनी डालनी पड़ेगी अपने कंपनी की, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे जाके एंटर कर लीजिए, आपका एक प्रोफाइल सेट कर लीजिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एडिट में चले जाइए और यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है वो एकदम अपडेट कर दीजिए, आपके बिजनेस का जो लोगो है वो डाल दीजिए, आपका एक्यूरेट एड्रेस हो तो एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिए, और फिर आप चले जाइए होम पेज पर। अब यहाँ पे थोड़ी बेसिक फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको किसी से कोट्स मंगवाने हैं तो आप यहाँ से कोट्स भी मंगवा सकते हैं प्रोडक्ट का नाम टाइप करके, हालांकि वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले जो है वो मैं बता देता हूँ कि सेल ऑन IndiaMart कैसे होगा। ठीक है, तो सेल ऑन IndiaMart में आप जैसे ही आएंगे आपके देखिए यहाँ पे बिज़नेस का नाम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे बिज़नेस का नाम जो है वो डाल दीजिए। आप अपना जो कंपनी का एड्रेस है पूरा डालिएगा, क्योंकि एड्रेस अगर पूरा हो और वेरीफाइड हो तो डील क्रैक होने के चांसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। वेबसाइट आप डाल सकते हैं, मेरी वेबसाइट में डाल देता हूं अभी, और यहां पे हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट सर्विसेज यू विश टू सेल। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट्स है सपोज, ओके तो हम बस इतना करेंगे और स्टार्ट सेलिंग नाउ पे जाएंगे।
फिर यहाँ पे हमको अब देखिए मैसेज आप एक बार पढ़िए इसको, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन इंडिया मार्ट, योर वेबसाइट विल सून बी विजिबल टू बायर्स आफ्टर अप्रूवल, एड फोटो एंड डिस्क्रिप्शन टू योर प्रोडक्ट्स फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी टू बायर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको अपने फ़ोटोज़ और प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह सब डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम चले आते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको जैसे मैनेज प्रोडक्ट सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक प्रोडक्ट हम आपको ऐड करके दिखाते हैं। अब सपोज़ मुझे ये फ़ोन बेचना है, आईफोन। ठीक है, तो ये फ़ोटो मैं ले लूँगा या फिर आप गैलरी में से भी ले सकते हैं। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो मुझे लेना है, मैं ले लेता हूँ, या फिर गैलरी में से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड इमेज करता हूँ। ओके, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे इमेज उसका अपलोड हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टील एंड प्लेस, ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको इसलिए ताकि आपको आइडिया है कि कैसे करना है। अप्रॉक्सीमेट प्राइस जो है मैं इसकी डाल दूँगा 900 रुपीज़, यूनिट में डाल दूँगा, आपको जो भी सूटेबल यूनिट लगे यहाँ पे वो आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 10। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है वो आप डाल सकते हैं, मेड ऑफ स्टील, आई थिंक दिस शुड बी इनफ। यहाँ पे अगर आपको ग्रुप कोई क्रिएट करना है तो ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि किचन वेयर ऐड। ठीक है, तो ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसको प्रीव्यू करके एक बार आप देख लीजिए, ओके है तो इसको सेव करिए। तो आपका ये प्रोडक्ट जो है लाइव हो चुका है। ठीक है, अब आपको ये प्रोडक्ट को ओपन करके कुछ भी वेरीफाई करना है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेम वे आप और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करिए, जितने हो सके उतने प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड करिए, जितने प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड करिए। तो ये देखिए आपका ये स्टोर जो है यहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है, प्लस आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इसकी लिंक्स। तो स्टोर में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे कोई भी दूसरे ऑप्शन में चले जाएंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेल का ऑप्शन आएगा, सेल का मैनेज प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पे चले जाइए मैनेज प्रोडक्ट्स में, ये जो सेल का ऑप्शन है यहाँ पे सारी आप इंक्वायरीज देख सकते हैं, लेटेस्ट बाय लीड्स चेक कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट्स है तो। वैसे ये पूरा फ्री है ऑप्शन, अगर आप क्रेडिट्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 260 लीड्स एट जस्ट 22,500 नो मोर, मतलब ये आप लीड्स अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे तो भी चलेगा जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तब। फिलहाल आपको जहाँ पे ध्यान रखना है वो है Enquiries for you, latest buy leads और buy product, manage products। ठीक है, तो latest buy leads में आप देख सकते हैं कि कौन से टाइप की जो लीड्स हैं वो ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रोडक्ट सारे बिकेंगे इंडिया मार्ट में, उसको आप लिस्ट करिए। ठीक है, बायर्स अपने आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी प्राइस अच्छी है, अगर आपने सारे डिटेल्स एक्यूरेटली अपडेट किए हैं अपने इंडिया मार्ट अकाउंट में और कॉल आता है और आप अटेंड करते हैं, तो यहाँ से आपका जितना ट्रांजैक्शन होगा वो शायद B2C में भी ना हो। तो यस, आप इसमें ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखिए क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट्स में जाके भी आप देख सकते हैं मोबाइल एक्सेसरीज़ में क्या ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो उस तरह से आपको आइडिया भी आएगा कि आपको प्रोडक्ट्स किस टाइप के बेचने हैं। ठीक है, वैसे अगर आप प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से या कई और कंट्री से और फिर इसको लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्राइस होती है वो प्राइस B2C से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, तो लोग जो हैं वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म से खरीदें। तो अगर आप नए हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इंडिया मार्ट के ऐप को कैसे यूज़ करना है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि उनको बेस्ट प्राइस जो है वो इजीली मिले और आपके इंडिया मार्ट का जो स्टोर है उसका भी साथ साथ पब्लिसिटी हो। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई अगर आपको इंक्वायरी हो या कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, और मेल भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं आपको दे दूँगा। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। Thank you, take care, and have a nice day. Bye-bye.